400 मीटर दूर कुछ हिंदुस्तानी फौजी नजर आ रहे हैं। जनाब सरफेस की ईस्टर्न साइड से हेवी फायर आ रहा है। इकबाल मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे फायर दो। आगे मैं रहूंगा। इकबाल पंडित जी विजय राव कौन है सर? वो ही जो अपने पाकिस्तान बॉर्डर पे शहीद हुए थे। शहीद हुए थे पंडित जी? पकड़े गए थे? पकड़े गए थे, कुछ इन्फॉर्मेशन लीक। शहीद हुए थे वो देश के लिए? शहीद हुए थे कि मैडम पकड़े गए थे, उनकी लाश पाकिस्तान बॉर्डर पर मिली थी। सर वो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए थे वहाँ पे? शहीद नहीं हुए थे, वो पकड़े गए थे। वो पाकिस्तान के मिले हुए थे, पाकिस्तान को उन्होंने हमारे देश के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, गद्दार थे वो, और जब पाकिस्तान को डर लगा तो उन्होंने उसको मार दिया और फेंक दिया। सर गद्दार वो इंसान जो तिरंगे को जिंदगी भर चूमता रहा, और आप उसके बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? देखिए मैडम, इस देश में हजारों लोग शहीद होते हैं, तो अगर हम ये हजारों लोगों को इंसाफ दिलाते रहे ना, तो ये सरकार भी हमें चलानी है और ये कुर्सी भी। तो सर आपको इंसाफ दिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये कुर्सी उन हजारों लोगों की वजह से आपको मिली है। देखिए लाशों के ढेर पे चढ़ के ये कुर्सी पाई है मैंने, और आपकी जो आप कह रहे हैं ये पति की बात, कमेटी बिठाई है हमने, कमेटी का जो फैसला होगा वही फैसला आपको मानना पड़ेगा। सर 5 साल हो गए, अब तक आपकी कमेटी ने तो कोई सलूशन निकाला नहीं। ये आपके घर के बर्तन मांजने जितना आसान काम नहीं है मैडम, ये कमेटी में टाइम लगता है, समय लगता है। कमेटी का सपोर्ट कीजिए, आपको फैसला मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। इंसाफ? सर आप अपनी कुर्सी बचाने के बारे में ही सोचते रहिए, वो और वो जवान, सैकड़ों जवान जो शहीद हो रहे हैं उनका आपको ख्याल ही नहीं है। सर कमाल है। सुनिए मैडम, आपके घर नहीं आए थे क्या आईए फौज में भर्ती हुई है? और दूसरी बात, तनख्वाह देते हैं आपके पति को, आज भी पेंशन मिलती है आपको, जिसकी वजह से आपका घर चल रहा है, आप हमसे जुबान न लड़ाइए। सर मुफ्त की तनख्वाह नहीं है, वो इंसान 5 साल से हमसे दूर रहा है, वो हमसे मिलने इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि वो आप लोगों की सुरक्षा कर रहा था बॉर्डर पे, और आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं सर उनके बारे में? देखिए मैडम, समय ना खोटी कीजिए, हमें देश के और भी काम है, लेके जाओ पांडे इनको, और पहले ये चाय उठाओ। वो इंसान जिस उसको एक तिरंगा भी नसीब नहीं होगा, जो तिरंगे के लिए जिसने अपनी जान दे दी। देखिए जो फैसला होगा आपको बता दिया जाएगा। पांडे जी मैडम इन्हें जरा ले जाइए। माँ हमें कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा। माँ टुडे द प्राइम मिनिस्टर स्टेटेड इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट आवर कंट्री इज ऑल सेट टू ओपन अप पोजीशंस फॉर वुमेन इन द आर्म फोर्सेस। बेटा तुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। इस हादसे के बाद रोशनी ने अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए फौज में भर्ती होने का निर्णय लिया, लेकिन फौज की जिंदगी आसान नहीं, संघर्ष और चुनौतियों से भरी हुई थी, जहां रोशनी को अपना लोहा मनवाना था।
कैडेट्स, देयर इन एकेडमी यू आर टू बी वॉरियर्स। जंग में आपकी एक गलती आपके पूरे ग्रुप के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। सो वी ट्रेन यू अकॉर्डिंगली। आर यू रेडी टू बी फियरलेस? यस सर। फाइव मैन रेडी, गो। The average obstacle time is 17 minutes and your trip had taken 25 minutes. आपका average time जो बढ़ा है वो सिर्फ एक cadet की वजह से बढ़ा है, वरना बाकियों ने 18 से 19 मिनट में खत्म कर दिया था। So आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके सारे cadets within time खत्म करें and you have to improve your time. Can I expect this from you? Yes, yes sir. Cadet, disperse. Train number 6. आपके लिए अलग ऑब्स्टेकल लगवा दूं? नो सर, मैं कर लूंगी। कब? आज का दिन तो गया। आपके लिए अलग ऑब्स्टेकल लगवा दूं? शहीद हुए थे कि मैडम पकड़े गए थे? Today, at 400 hours, there was a surprise attack on a military camp where 19 soldiers were martyred. This attack was carried out by 5 terrorists of SS, who were equipped with AK-47 grenades and machine guns. The Chief of Army Staff said that strict and immediate action will be taken against this act. Sir, wo Major Saab milne hai. Haan, bulao. Yes. तो बताइए मेजर साहब, कैसे आना हुआ? आजकल देश में टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण हमारे आए दिन जवान बहुत शहीद हो रहे हैं। तो वी हैव फॉर ए रिवेंज, वी हैव ए प्लान्ड सर्जिकल स्ट्राइक, सो आई हैव अपॉइंटेड ए कैप्टन राव फॉर दिस। कहा मेजर साहब, आप इन औरतों के चक्कर में पड़ रहे हैं। भारत एक शांति प्रिय दोस्त है, ये सब मामले हम बात करके सुलझा लेंगे। आप क्यों है सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से भारत में और लाशें बिछवाना चाहते हैं? क्या करते हो साहब?
अरे मेजर साहब क्या क्या बोल रहे थे वो आप पेपर पेपर अरे मैडम आप बैठिए अरे पहन लो भाई लीजिए ये आपकी परमिशन नेताजी आप देश भेजते हो हम नहीं सर को बाहर छोड़ के आए यार तुम सर अपने ही कार्यालय में हुई बेइज्जती मंत्री को बर्दाश्त नहीं हुई अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब वालेकुम अस्सलाम मंत्री और सब खैरियत इंशाल्लाह सब खैरियत है आपके लिए एक बुरी खबर है हमारा देश आपके मुल्क पर हमला करने की साजिश रच रहा है सतर्क रहिएगा बाद में आप हमसे ना कहिएगा अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है तो लगता है पिछला वाला हमला भूल गया तुम्हारा मुल्क पिछली बारी लाशें मिली थी अब की बारी तो वो भी नहीं मिलेंगी रखते हैं हम पर गुड कैप्टन Very innovative idea. We approve your project. Gentlemen, our special forces team, Eagle 1 and Eagle 2, ko Beta and Delta point par pad drop kar diya jayega. Wo log downhill se surface ki western side ki or move karenge enemy bunker tak. Jang hathiyaron se nahi, sipahiyon se jeeti jati hai. Hauslon se jeeti jati hai. बॉर्डर के उस पार कुछ भेड़िए हमारे देश और हमारे परिवार को मारने के लिए खड़े हैं। आज हमें ये मौका मिला है कि हम उनकी कब्र खोदे हाल से जोश हाँ हाँ और इस प्रकार हमारी सेना ने यह जंग जीत ली विजय मुझे पता है तुम यही हमेशा मेरे साथ हो आज तुम जीत गए मैं जीत गई हम जीत गए विजय और हमारा ये देश